क्या बिहार में एनडीए एक रह पाएगा या फिर होगी फूट। जिस तरह से सीट बंटवारे को लेकर उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी बढ़ती जा रही है, उससे अब तक ही साफ होता दिखाई दे रहा है कि बिहार में एनडीए में फूट पड़ना लगभग तय है। खबर तो ये है कि उपेंद्र कुशवाहा का एनडीए से जाना भी लगभग तय हो चुका है और इसे लेकर 6 दिसंबर को बड़ा ऐलान हो सकता है। 6 दिसंबर को कुशवाहा ने मोतिहारी में अपनी पार्टी का खुला अधिवेशन रखा है, जहां वो एनडीए से नाता तोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। वैसे उपेंद्र कुशवाहा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 27 नवंबर से 30 नवंबर के बीच मिलने का वक्त मांगा था, लेकिन मुलाकात की संभावना धूमिल होते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। इससे पहले कुशवाहा ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से भी मिलने की कोशिश की थी, लेकिन उनसे भी मिल पाने में वो नाकाम रहे थे। ऐसे में बिहार की सियासत में अपनी जगह बना चुके कुशवाहा के अगले कदम पर सभी की निगाहें टिकी हैं। इस बार जेडीयू के फिर से एनडीए में शामिल होने के बाद सीट बंटवारे को लेकर पेच फंस गया है। वैसे उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से भी काफी नाराज चल रहे हैं। कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने एक निजी चैनल के कार्यक्रम में उन्हें नीच कहा था। हालांकि नीतीश कुमार ने इस पर सफाई देते हुए इससे इनकार किया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि उपेंद्र कुशवाहा का अगला कदम क्या होगा और इसे जनता किस रूप में लेती है। एनटीआई पॉकेट टीवी के लिए फैज आलम फैजी की रिपोर्ट। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।